यहाँ पे को हसन आए हैं, हसन से बात करते हैं। हेलो हेलो, अनम्यूट करो भाई। हेलो, हेलो हेलो हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी। हेलो हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? हाँ यार, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे कुछ देर पहले एक भाई बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका फिजिकली प्रूफ नहीं होता मगर वो एग्जिस्ट करती हैं। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा शख्स किसी नजूमी के पास ले जाता है तो फिर वो उसको वो नजूमी सिर्फ उसके नाम बता देने से उसका तमाम बायोडाटा बता देता है। तो ये सर कुछ बता रहे थे तो वो कैसे बता सकते हैं कि जब कि उसको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो और वो कुछ अपने इल्म से या किसी और जरिए से किसी दूसरे बंदे के बारे में उसका सारा बायोडाटा सारा बायोग्राफी उसको बता दें। हाउ इज दिस पॉसिबल? आप किसी ऐसे नजूमी को जानते हैं वैसे? मैं तो बहुत सारों को जानता हूं। आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगली स्ट्रीम में आएं और उसे उससे पूछ के आइएगा कि मेरी दादी का क्या नाम था, ठीक है? और अगर उसने मेरी नो, दादी का अभी नाम, अभी अभी मुझे मुझे आंसर चाहिए। चले अभी पूछ के बता देना आप, अभी उस नजूमी को फोन करें और उसे कहें कि वो मेरी दादी का नाम बता दे या मेरी नानी का, ठीक है? अगर वो बता देगा तो मैं मान लूंगा आपकी बात। तो आपका है कि ऐसा नहीं हो सकता? भाई नहीं सर, दावा सर मेरी आपका बात है सुनिए। ना, दावा ऐसा हो आपका है कि सकता है, वो तो नहीं मैं तो बता अब सकता, आपके इनकार दावे आपने को किया टेस्ट तो आप करने मुझे की बता बात कर रहा दीजिए। हूँ कि आप ऐसे नजूमी को अभी कॉल करें और उसे कहें कि वो मेरी दादी या मेरी नानी का नाम बता दे, मैं अभी ये मान ले आऊंगा। अभी कर यार लें मेरी आप, मैं बात हम सुनिए, वो इंतजार तो करते मुझे हैं आप बता फोन देगा। करके आ जाएं और आके मेरी यार नानी का या मुझे मेरी मेरी बात दादी का नाम सुनिए, बता दीजिए। यार गाली मेरी बात सुनिए, गाली मेरी बात सुनिए, गाली मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज आपके सामने रखी हो और आपने बिला वजह ही उसे इनकार कर दिया हो। कोई बात तो है जिसकी वजह से आपने इनकार किया कि ऐसा नहीं यार होता? मैं इनकार कहाँ कर रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं वो उस बात आप बेस नजूमी करें को जिसकी वजह कॉल से आपने करें और इनकार उससे किया। पूछ के अभी मुझे बता दें यार, क्या मसला इसमें? मैं इस्लाम भी कबूल कर लूंगा, ठीक है? अभी करें फोन, मैं इस्लाम कबूल करूंगा और ये तीन बात बंदे और मेरे साथ स्क्रीन पे हैं, नहीं, सारे बात करेंगे, इस्लाम और कबूल करने की ना एक सौ करिए। बंदे को मैं चैट में भी इस्लाम कबूल कराऊंगा। मैं आपको बताता हूं क्यों गालिब ने इनकार किया और मैं क्यों ऐसी बातों से इनकार करता हूं। आप ये पूछ रहे हैं ना हसन भाई मोहतरम, जी मैं आपको बताता हूं कि ये कल क्यों? हम ऐसी बातों से क्यों इनकार करते हैं। आपने कहा ना कोई वजह होगी कि ऐसी बातों से इनकार करते हैं। उसकी वजह यह है कि आज तक हमने जितने इस तरह के क्लेमेंट नजूमियों को इन्वेस्टिगेट किया है, हमने भी जिंदगी में ऐसे नजूमी हमें भी टकरे हैं, हमारा भी वास्ता पड़ा है, हमें वो सारे के सारे आज तक फ्रॉड निकले हैं। और जब उनसे ये बात की जाती है, ऐसा सवाल किया जाता है कि हाँ भाई जैसे गालिब ने कहा कि अभी पता करो कि जी, यानी इन्वेस्टिगेट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि जी अभी मुझे अपनी दादी का नाम बताओ, तो वो फिर दादी का नाम बताने की बजाय इधर उधर की बातें करने लगते हैं, ये पूछने लगते हैं कि आपने इनकार क्यों किया। चूंकि अब तक हमारी ऑब्जर्वेशन में तमाम तर लोग भाग गए, फ्रॉड निकले और सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके, इस वजह से गालिब आपको एक और मौका दे रहा है कि आप उनके पास जो नजूमी है वो उससे पूछ कर आए, गालिब की दादी अम्मा या नानी अम्मा का नाम वो बता दे, तो फिर हम आपके क्लेम को कंसिडर करेंगे। अब तक हम इस वजह से उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि आज तक हमने जितने नजूमियों को इन्वेस्टिगेट किया है वो फ्रॉड निकले हैं, ये वजह। और हम ओपन है फॉर फर्दर एविडेंस, अच्छा अगर मेरी आप बात हमें सुने, एविडेंस दे जैसे अभी सकते हैं। आपने लिसन, अभी मेरी बात सुने, अभी आपने कहा कि गालिब का कहना है कि आप किसी नजुमे से बात करके आए और उनसे पूछें कि गालिब दादी और नानी का क्या नाम है। तो अगर ने बता भी दिया तो हम ये कैसे आप ये पता करेंगे कि ये गालिब की दादी और नानी का नाम जो उसने बताया वो सही है? हाँ तो वो मैं आपको बता और अगर दूंगा ना, आपने मैं इसको अब अपनी उसका दादी या इनकार नानी किया का है, अगर नाम आपने आप इसका इनकार किया है यार देखो यार, मेरे ख्याल में देखें, अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं अगर यार आपने ऐसी नहीं गल करनी कोई नहीं भी। यार अभी तो देखिए ना, अभी तक तो नहीं नहीं आपने नहीं इनका कहने अगर का आपने मकसद इनकार है किया तो फिर उस बात चूंकि पे आप क्या गालिब गालिब एंड सबूत है? सब्सटेंशियल, इनका कहने का मकसद है कि चूंकि आप लोग कंफर्म नहीं बताओगे तो मैं तभी नहीं बता रहा अपना यानी झूठ। मैं देखिए उसका फायदा क्या होगा, देखिए अगर आपका, देखिए आपका अगर मकसद है ना कि पब्लिक लेवल के ऊपर कोई डेक्लेरेशन करवाना चाहते हैं आप, ये बड़ा शैलो मकसद है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि अगर कोई पब्लिक में आके इनकार भी कर रहा है
तो उसके अंदर तो उसके ऊपर रियलिटी वाजे हो जाए ना। तो अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है, आपके नजूमी के पास, आपको इस चीज का ख्याल नहीं होना चाहिए कि पब्लिकली आपको इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि इतनी बड़ी रियलिटी वाले पे बात सुन ले, पहले बात सुन ले, पहले बात सुन ले, आपको इस चीज का ख्याल, आपकी बड़ी सोच बड़ी शैलो है। अगर आपकी डीप सोच है तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि पब्लिकली गालिब जो भी कहे, इतनी बड़ी हकीकत का दरवाजा उस पर खुल जाएगा तो उसको आगे जिंदगी में, मैं तो वैसे ही मुसलमान हो जाऊंगा यार, उस पर जिंदगी आगे रहनुमाई में ये आपकी कंसिडरेशन होनी चाहिए। आप इसको गेम समझ के कि अच्छा फिर आपने इनकार भी कर दिया, इस शैलो थिंकिंग से निकलें, अपने नजूमी को अभी स्ट्रीम पर लेकर आए और क्या कहते हैं बात को वाजे करें। पाकिस्तान के सारे नजूमियों के लिए ये ऑफर है। चले 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 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप पहले सीएनआईसी से दिखाएं ना अपनी वालदा का नाम। आप झूठ बोले हमें क्या पता यार, आप तो झूठों के आइए। पहले तो नहीं दिखाया जा सकता ना, आप पहले बताएं तो सही ना, पहले बताएं तो सही ना। मैंने आपको ये बताया, सारे लोग मान जाएंगे वरना आप गलत है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने मकसद को जरा यार हमने बता भी दिया, आप नहीं यार आप पहले बताओ तो सही ना यार, ऐसे ही गलत बता रहे आप गालिब, मुझे उनको मेरी बात समझ नहीं। असल नहीं, उनको नहीं आनी समझ मोहतरम। आप अपने मकसद को जरा बड़ा करें, ये जो बच्चों वाला खेल नहीं है, कि उस आपने मानना है या नहीं मानना है, इससे आपके मकसद को बालातर होना चाहिए। आप अगर बता देंगे तो गालिब तक तो सच पहुंच जाएगा ना, गालिब तो उसको रीवैल्यूएट करता रहेगा अपनी बकिया जिंदगी में और सच की तरफ आ सकता है। आपको तो बता देना यार, मैं एक और भी ऑफर है सर, एक और ऑफर है सर। मैं ना, मैंने आज तक अपनी बीवी को ना अपनी पहली गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया, सब्सटेंशियल सर हाजी भाई और नॉन कंफर्मिस्ट। आपको मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड का नाम बता दूंगा, ठीक है, और ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड से पूछ के बताएं। मैं आपको, अगर आप गालिब की दादी का नाम बता देंगे, वो मेरी दादी भी है, अगर आप उनको, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, अगर आप उनको सही बात, आप उनको अगर सही नाम उनका बता देंगे, अब आपने आप दादी का नाम बताया, आप इस तरह की बात ही ना करते फिर, छोटी बात तो आपने की है ना यार। चला यार हसन मियां, आपकी फजूलियात के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं है, आप पहले भी आते हो ऐसी फजूल बातें करते हो, काफी शुगर लगा लिया आपके साथ हमने यार, कॉमेडी वीडियो है भाई, है आपको भी पता है, ठीक है, सब लोगों को। तो ये बात है, ये हालात है इनके के एक छोटी सी बात अभी क्वेश्चन में भी नहीं आई और उसकी हवा वहां ही निकल गई सारी। यार ये हालात है इन लोगों के, ठीक है, कि आप इनसे कोई छोटी सी बात पूछ लेना जो आपने किसी को ना बताई हो, इन नजूमियों का बाप क्या उनका दादा भी आज नहीं बता सकता, ठीक है। यही हालात नबियों के भी थे, ठीक है, हजरत मोहम्मद से पूछा गया था ना कि भाई क्या बात कर रहे हैं, आयतें आपने निकाली हुई थी जिसमें अल्लाह के हालात बता रहे थे। हाजी भाई वो साफ़े कहफ़ वाला भी स्टोरी बता देना, रसूलुल्लाह भी नजूमी निकले थे वहां पे, ठीक है। तो देखे ना वहां पे रसूलुल्लाह जो थे और अल्लाह ने बताने से इनका, तीन थे या चौथा उनका कुत्ता, चार थे या पांचवा उनका कुत्ता, वो कर दिया अल्लाह मियां ने वहां पे, ठीक है ना, अल्लाह मियां अंदाजे लगाने लग गया था वहां पे। तो यार यही बातें हैं, इस तरह ही होता है हमेशा, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब आपको क्या कहें हम, ठीक है। तो ये बात आपने जो की है वो एक छोटा सा चैलेंज, आपका कोई नजूमी नहीं कर सकता, ठीक है, यही बातें होती हैं, ये बात है। चलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।